हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज हमारे पास सी पी प्लस का एक इजी कैम आया है, आप देख सकते हैं, जो कि है V21 मॉडल नंबर है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। आज मैं आपको बताऊंगा आप इस कैमरे को कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं, कैसे अपने फ़ोन में कॉन्फ़िगर कर सकते हैं और कैसे आप इस कैमरे को अनबाइंड कर सकते हैं, वो भी मैं आपको बताऊँगा, और इसमें मेमोरी कार्ड कैसे लगाते हैं वो भी मैं आपको बताऊँगा इस वीडियो में। तो चलिए इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं और इसे इंस्टॉल करते हैं दोस्तों। तो इसमें लगाने के लिए हमने ले लिया है एक 32 GB का मेमोरी कार्ड। कैमरा हमारे सामने है, इसे ओपन करते हैं। इधर खाली है, इसको हम एक तरफ रख देते हैं। सबसे ऊपर एक प्रेम पत्र मिलता है, अगर आपको पढ़ना है पढ़ सकते हैं। साथ में एक चार्जर जो कि आप देख सकते हैं, और ये कैमरा। कैमरे का मैं आपको मॉडल नंबर थोड़ा क्लियर दिखा देता हूँ। ये देखिए, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं क्योंकि इस पर सीरियल नंबर लिखा रहता है इसका। और इसकी जो वायर है, इसकी लेंथ लगभग होती है 2 मीटर के आसपास, 2 मीटर से थोड़ी ज़्यादा ही है, कम नहीं है। आप आसानी से इसे, अब अगर आपका जो बिजली का बोर्ड है वो दूर भी है तो आसानी से इंस्टॉल कर सकते हैं। सामने से देखने में कुछ इस तरह का है कैमरा। तो मैं आपको बताता हूँ इसमें मेमोरी कार्ड कहाँ पर लगा सकते हैं। मेरे पास 128 GB का मेमोरी कार्ड है, जो कि इसकी नीचे की साइड लगता है, आप देख सकते हैं। मैं अगर आपके पास कोई छोटा स्क्रू ड्राइवर है तो आप इसे आराम से खोल सकते हैं। ये देखिए, इसमें एक स्पीकर भी है साथ में, इसी में लगा हुआ, जो कि आवाज़ करता है। और यहाँ पे ये कैमरा है, मैं इसे थोड़ा क्लियर करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप मेमोरी कार्ड लगा सकते हो और ये इसका रीसेट का बटन है। ये देखिए, मैं थोड़ा क्लियर करके दिखा देता हूँ इसे। ये इसका रीसेट का बटन है जो कि यहाँ से पुश होता है, आप ये देखिए। और यहाँ पर आप मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं। मेमोरी कार्ड लगाने के बाद आप आसानी से इसे वापस बंद भी कर सकते हैं। तो अब मैं आपको बताता हूँ इस पर एप्लीकेशन कौन सी सपोर्ट करती है। एप्लीकेशन के लिए आपको ये जो बॉक्स है इस पर जाना पड़ेगा। यहाँ पे अगर आपके पास आईफोन है तो आप इसे स्कैन कर सकते हैं, एंड्रॉयड है तो इसे स्कैन कर सकते हैं, ऑटोमेटिक आपके फ़ोन में एप्लीकेशन डाउनलोड हो जाएगी दोस्तों। तो यहाँ से आप इजीली इसमें एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। ये देख लीजिए, मैंने इजी कैम के नाम से जो इसकी ऑफिशियल ऐप है वो उसे डाउनलोड कर लिया है और ये भी इंस्टॉल हो रही है। यहाँ से मैं इसे डायरेक्ट ओपन करके दिखाता हूँ आप लोगों को। ओपन का ऑप्शन आ चुका है, तो जैसे ही आप इसे ओपन करेंगे तो कुछ इस तरह का आता है। इसे एग्री करके आप साइन अप कर सकते हैं या साइन इन कर सकते हैं। तो मैं इसमें आईडी अभी साइन अप कर रहा हूं, तो जो मेरी मेल आईडी है मैं वो डाल के इस पर वेरीफिकेशन कोड के लिए भेज देता हूं। अब मेरी जो मेल आईडी है मैं आपको दिखा देता हूँ, उस पर मुझे एक वेरीफिकेशन कोड आया है, मैं वो आपको इसमें दिखाऊँगा और ऐड करके भी बताऊँगा कि कैसे हम इसमें डिवाइस ऐड कर सकते हैं। ये देख लीजिए, वेरिफिकेशन कोड आ चुका है 44। मैं इसमें कॉपी कर देता हूँ उस कोड को। उसके बाद आपको जो भी पासवर्ड बनाना है पासवर्ड बना लो, जो भी आपको बनाना है आप बना लो, आराम से बना के इसे यूज़ कर सकते हो। तो मैं अभी नॉर्मली वैसे ही admin@123 पासवर्ड बना लेता हूँ। ये देखिए, डन हो चुका है। अब इसमें गो टू द ऐप और इसे पासवर्ड को अगर आपको सेव करना है सेव कर सकते हैं। ऊपर कुछ ये दिख देता है कि भाई आपको कैसे चलाना है। ऐड के ऑप्शन में जाएंगे तो सी पी प्लस के सभी तरह के मॉडल आ जाएंगे। मेरे पास जो मॉडल है वो V21 था, तो मैंने उस पर क्लिक किया, नेक्स्ट किया और अलाउ। अगर हमारे यहाँ पे वाईफाई का कनेक्शन है तो कैमरे को ऑटोमेटिक वाईफाई से कनेक्ट कर देता है। यहाँ पे आपको वाईफाई का पासवर्ड डालना पड़ता है, नाम और पासवर्ड, या फिर आपको सर्च करना पड़ता है साइड पे जो आप देख रहे हैं, ये डॉट का ऑप्शन है जो राइट साइड में, इस पर क्लिक करके आप सर्च भी कर सकते हो अगर आपको कोई वाईफाई है। और इजीली आप वाईफाई कैमरे को अपने फ़ोन में कनेक्ट कर सकते हो, ऑटोमेटिक कनेक्ट हो जाता है कैमरा और ऑटोमेटिक। तो दोस्तों बात करें अगर इस कैमरे को अनबाइंड करने की, ये आप देख सकते हैं ये कैमरे में एक
जो प्रॉब्लम आती है कि हम इस कैमरे को किसी डिवाइस में या ईमेल आईडी से एक बार लॉगिन कर लेते हैं और वो फिर दोबारा किसी दूसरी ईमेल आईडी से लॉगिन नहीं होता। तो मैं आपको बता दूं, अगर आपको ये प्रॉब्लम है और डिवाइस आपको अनबाइंड करनी है तो आप खुद डिवाइस को अनबाइंड नहीं कर सकते, उसके लिए आपको कस्टमर केयर में सपोर्ट नंबर है जो आपको मैं यहाँ पे शो कर रहा है, मैं देखो कैमरे के साथ ही यहाँ पे शो कर देता हूँ, इस पर कॉल करनी है आपको और इस पर कॉल करेंगे तब आप उनको इसका जो सीरियल नंबर है, यहाँ पे आप देख सकते हैं साइड में इसका जो सीरियल नंबर होता है ये वाला, आपको ये कंपनी को बताना है और कंपनी ही इसे अनबाइंड करके देगी आपको, क्योंकि कंपनी का जो सर्वर है वो कुछ इस तरह से ही काम करता है, आप इसे खुद अनबाइंड नहीं कर सकते, खुद से अगर आपके इसका जो रीसेट का ऑप्शन है वहाँ से भी इसे रीसेट नहीं कर सकते, क्योंकि ये सिर्फ उसी डिवाइस से अनबाइंड होगा, मतलब उसी डिवाइस पे कनेक्ट रहेगा, जब तक वो उससे अनबाइंड नहीं होगा तब तक आप दूसरे ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर पे इसे लॉगिन नहीं कर पाओगे। और हाँ, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ऐसी ही नई नई टेक वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।